हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका। 24 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, या भारतीय नागरिक होने के नाते आपको 24 जनवरी को क्यों जानना चाहिए, क्या यह महत्व रखता है अपने आप इतिहास में, यह क्या महत्व रखता है, आइए जानते हैं। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की आखिरी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, आइए जानते हैं। पहला ये कि हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने आज ही के दिन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम को हमने राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया, एवं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान को हमने जनगण मन को हमने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। आज ही के दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वायसराय पद को समाप्त करके देश के बाबू को राष्ट्रपति पद के लिए चुना था। ये वैसे बाबू नहीं थे, ये आपके हमारे बाबू नहीं थे, उस वक्त देश के बाबू राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा हूँ, उनको देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। आज ही के दिन 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, और 24 जनवरी आज हम लोग उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसी ने कहा है कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर जब खुदा को पसंद आता है बस वहाँ बेटियां होती हैं। आज 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मना रहे हैं। यह परंपरा, यह हमने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय वर्ष 2008 से लिया था। माना जाता है कि 24 जनवरी 1966 को ही इंदिरा गांधी ने अपना राष्ट्र पहली बार प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ लिया था। उस दिन के यादगार के तौर पर हम इसको राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें 24 जनवरी से संबंधित, किंतु 24 जनवरी 1950 के आसपास में ही जो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं जो अपने आप में भी महत्वपूर्ण है, जैसे 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग अर्थात चुनाव आयोग, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। आपको भी पता है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, और साथ में 28 जनवरी याद रखिएगा कि 28 जनवरी 1950 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिसे कहते हैं, उसने अपना कार्यभार संभाल लिया था, उसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, यह छोटी सी वीडियो आपको 24 जनवरी से संबंधित आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।